केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के लिए कोई विशेष योजना या घोषणा का जिक्र नहीं किया गया है, ना ही रेल और स्वास्थ्य सेक्टर में भी कुछ खास दिया गया है। इसे लेकर अब प्रदेश के कांग्रेस नेता बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय बजट में मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में भारी कटौती करने से कमलनाथ सरकार आग बबूला हो गई है। इसे लेकर कमलनाथ सरकार के मंत्री बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में प्रदेश की हकमारी की गई है, साथ ही उन्होंने बजट को पुरानी बोतल में नई शराब बताया। बजट आया तो बजट में मध्यप्रदेश का बहुत सा पैसा कम कर दिया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था कि इसको बढ़ाया जाए, जो 42 से 50% किया जाए, वो केंद्र सरकार ने नहीं किया। और मध्यप्रदेश आदिवासियों के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, उन्होंने कहा था कि आदिवासी सब प्लान लाया जाए, वो भी लेके नहीं आए। इसको मुख्यमंत्री कहा कि वो नहीं लेके आएंगे तो हम लेके आएंगे। और करीब 11,000 करोड़ से ज़्यादा मध्यप्रदेश के जो फंड मिलता है उसमें कटौती की गई है। और कहीं कहीं तो मुझे लगता है कि जो मध्यप्रदेश का जो एक साल की कार्रवाई किसानों के मामले में, युवाओं के मामले में, उसकी एक नकल वहाँ पर दिख रही है। दूसरा, वित्त मंत्री ने 2020 के इस बजट में गांव, गरीब और किसान का बजट बताया, लेकिन 2 घंटे 40 मिनट के भाषण में गांव केवल एक बार आया जबकि शहर कई बार आया। बजट में ग्रामीण विकास का बजट 2021 में घटाकर 1,20,122 लाख करोड़ कर दिया है, घटा दिया ये। और मनरेगा के बजट में भी 13% कमी की है। देश की 69% लगभग 70% आबादी गांव में रहती है, जिसकी उपेक्षा कर 31% आबादी जो शहरों में रहती है उसको मोदी सरकार ने ज़्यादा चिंता की है और गांव की कम की है। तो ये कुल मिला के जो कहा जा सकता है कि ये पुरानी बोतल में नई शराब, वही चीज़ें रिपीट किए, रोजगार देंगे जबकि 1 करोड़ रोजगार पूरे देश से खत्म हुए हैं। रोजगार बढ़ने की बात छोड़िए, जो पहले कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे एक साल में। मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के स्वस्थ होने की कामना के साथ की, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद उन्होंने इंदौर में होने वाले बहुचर्चित आईफा अवार्ड समारोह की जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार शाम 4 बजे बॉलीवुड स्टार सलमान खान और अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस इसे लेकर राजधानी के मिंटो हॉल में प्रेस वार्ता करेंगे। हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हुई है उनके चेकअप और उसके लिए, तो ईश्वर से हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों और अपने घर पहुँचे। ये सभी कांग्रेस जनों की ईश्वर से प्रार्थना है, क्योंकि उनका जो नेतृत्व कांग्रेस को मिला है उसमें कांग्रेस लगातार मजबूत होती रही है। दूसरी बात, आज भोपाल में करीब दोपहर में आईफा अवार्ड की पहली जानकारी देने के लिए सलमान खान और क्या नाम है उनका, जैकलिन फर्नांडिस, ये दो आ रहे हैं। और 4 बजे मिंटो हॉल में ये दोनों कलाकार वहाँ रहेंगे, इनके जो भी और जो कंपनी है उनके लोग रहेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगण रहेंगे, प्रेस भी रहेगा, मीडिया। और इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये जो इवेंट होने जा रहा है उस इवेंट की जानकारी ये लोग वहाँ पर देंगे कि जो आईफा भोपाल और इंदौर में मार्च के लास्ट वीक में हो रहा है तो कौन कौन सी तारीख रहेगी, कौन सा कहाँ रहेगा, इसका टोटल क्या होगा, इस इवेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी
इट्स नॉट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो भी कलाकार हैं वो सम्मानित भी होंगे। और ये एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो आईफा हिंदुस्तान में केवल बॉम्बे में एक बार हुआ है, और कभी लंदन, कभी न्यूयॉर्क, कभी बैंकॉक में होता रहा है, वो अब मध्य प्रदेश के भोपाल आपके शहर में और इंदौर में होगा। इससे एक इंटरनेशनल पहचान मध्य प्रदेश को भोपाल इंदौर को मिलेगी, सारी दुनिया के कलाकार इसमें आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उसके लिए मैं मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। कुल मिलाकर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा पूरी प्रेस वार्ता में जहां बजट को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे, वहीं आईफा अवार्ड को लेकर सीएम कमलनाथ की जमकर सराहना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।